नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा, जो बाहर से विधायक बनने यहां आते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं। पहले भी लोग बाहर से यहां चुनाव लड़ने आए, लेकिन उन्होंने यहां ढेले का काम नहीं किया। राजस्थान में सरकार जादूगर कहलाने वाले सीएम अशोक गहलोत के जादू से ही बची है। विधायकों का विश्वास सीएम गहलोत में है। बेगूसराय गोलीकांड और बिहार में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में खौफ का माहौल बढ़ गया है, कुशासन आ गया है। भाजपा ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो बिहार में खौफ का राज और कुशासन आ जाएगा, क्योंकि आरजेडी की बुनियाद ही ऐसे माफिया और भ्रष्ट लोगों पर खड़ी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने अपनी कप्तानी में मौके नहीं देने का आरोप लगाया है। इस क्रिकेटर ने यह भी दावा किया है कि टीम इंडिया में मौका नहीं मिलने के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ईश्वर पांडे का कहना है कि अगर धोनी ने उन पर थोड़ा और भरोसा दिखाया होता और कुछ मौके दिए होते तो उनका करियर अलग होता। बेगूसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि हमने बिहार चाणक्य के रूप में काम किया और उस कुर्सी कुमार को चंद्रगुप्त बनाया। वह जंगल राज का जनता राज कहते हैं, लेकिन बिहार उससे बहुत आगे निकल गया है और गुंडा राज बन गया है। उनसे बिहार तो संभल नहीं रहा, फिर भी देश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। 14 सितंबर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल कानून विहीन और दिवालिया प्रदेश हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की सरकार राज्य में विपक्ष की आवाज को दबा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हंगामा और अराजकता करार दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 20 सितंबर को होगा। इसमें बिहार सहित देश के उन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा जहां राजद का संगठन है। पार्टी के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि 16 सितंबर को जिला स्तर तक सभी इकाइयों का चुनाव कार्य सम्पन्न हो जाएगा। इसके पश्चात 17 सितंबर को सभी राज्यों के राज्य कार्यालयों में राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का तथ्यार्थ प्रकाशन कर दिया जाएगा। 18 सितंबर को सदस्यता संबंधी आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उसी दिन उसका निराकरण कर राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। ज्ञान व्यापी पर हाई कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने राजस्थान के जयपुर में कहा, मेरा मानना है कि वो फैसला गलत है। ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। ये भविष्य में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। ये फैसला देश में अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पीएम ने बिना लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दे दिया है। क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे फिर से प्राप्त किया जाएगा? गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर सीएम सावंत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका का गहरा संबंध रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। वह अपना निर्णय खुद ले सकता है कि उसे किसके साथ क्या करना है। भारत हमारा एक महत्वपूर्ण भागीदार है, हम उसके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि सभी प्रदेशवासियों व हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं अपितु भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रतीक है। भारतीय संस्कारों, जीवन मूल्यों व आदर्शों की प्रबल संवाहक है। इटावा रामकथा में पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव द्वारा चाचा शिवपाल के लिए सदन में आगे देने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव ने चाचा को विधानसभा की जगह घर में कुर्सी दी होती तो आज यह नौबत ना आती। वैसे विधानसभा अध्यक्ष बहुत परिपक्व है और वे बेहतर निर्णय लेंगे।
विराट कोहली ने एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 276 रन बनाए। इसमें विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की तूफानी शतकीय पारी भी शामिल है। एशिया कप में शानदार फॉर्म के बदौलत विराट कोहली ने आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने 14 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। अब वह T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेदांता समूह और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र की जगह गुजरात में लगाए जाने की घोषणा पर शिवसेना, कांग्रेस और NCP के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर इस सेमीकंडक्टर प्लांट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया है। यह सेमीकंडक्टर प्लांट 1.54 लाख करोड़ रुपए की लागत का है, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तराखंड के 6 युवाओं ने 6 दिन में 60 किलोमीटर पैदल चलकर 16,500 फीट की ऊंचाई पर पनपतिया ग्लेशियर के निकट एक नया ताल खोज निकाला है। इसके लिए इन युवाओं ने करीब 9 माह तक इस पूरे ट्रैक का अध्ययन करने के बाद अपना सर्च ऑपरेशन पूरा किया है, जिसके लिए गूगल मैप की मदद लेकर अपने इस अभियान के अंजाम तक पहुंचे हैं। दिल के आकार के इस खूबसूरत ट्रैक की वादियां खूबसूरत नजर आ रही है। गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस के एक समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है। हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से 3 लाख के बिजली बिल जीरो आते हैं, वहीं 17 लाख उपभोक्ता के आधे बिल आते हैं। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी को अगले 6 हफ्तों में बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है। साल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें बंगला खाली करना था। स्वामी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बंगला दोबारा आवंटित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने कहा कि चीन के नेतृत्व वाले संघाई सहयोग संगठन की आगामी शिखर बैठक के दौरान भारत यूरेशिया के लिए एक मेगा कनेक्टिविटी वाली योजना पर अपना बड़ा जोर देने की योजना बना रहा है और ईरान का चाबहार बंदरगाह इस योजना के प्रमुख केंद्र बिंदुओं में से एक है। इसके अलावा भारत यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास कर रहा है कि मध्य एशियाई देशों के भीतर उज्बेकिस्तान चाबहार परियोजना के प्रचार और संचालन के साथ साथ INSTC में भारत, ईरान और रूस के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित का भरपूर प्रयास करेगा, जो कि आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। COVID-19 महामारी के दौरान विकासशील देशों को अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए लगभग उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और इस परिपक्ष में दक्षिण-दक्षिण सहयोग और भी अहम हो गया है। गोवा में कांग्रेस 8 विधायकों के भाजपा में जाने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि आज भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ तोड़ना जानती है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भाजपा ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ को अंजाम दिया। भारत देख रहा है, वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे। लाल किला मैदान में 26 सितंबर से शुरू होने वाली रामलीला में मोदी कैबिनेट के 3 मंत्री मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। 10 दिनों तक चलने वाली इस लीला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, ऋषि वशिष्ठ और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ऋषि अगस्त्य की भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रामलीला में भजन गाते हुए नजर आएंगे। इन नेताओं के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रामलीला में केवट की भूमिका में नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पंजाब में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से उसने वहां पर 10 आप विधायकों से संपर्क किया। इसके साथ ही उनको खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोरोना ने बुधवार को कहा कि भारत और फ्रांस के बीच पिछले 25 वर्षों से मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और वे दुनिया में शांति और स्थिरता लाना चाहते हैं। कोरोना ने ANI को बताया, भारत में मंत्री के रूप में यह मेरी पहली यात्रा है, लेकिन भारत की मेरी पहली यात्रा नहीं है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद से ही उन पर कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर है। कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी का हमदर्द बता रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आजाद पर कहा कि है जनाब अब भाजपा के वफादार सिपाही बन गए हैं। रेलवे की तरफ से 30 सितंबर को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के अपग्रेड वर्जन वंदे भारत 2 को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए यात्रियों को 2,339 रुपए का बेस फेयर देना होगा। वहीं चेयर कार के लिए बेस फेयर 1,144 रुपए बताया जा रहा है, इसमें GST शामिल नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल यांत्रिक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक व दूरसंचार इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना आज यानी बुधवार 14 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थान से संबंधित ट्रेड में BI, BTEC और 1 जनवरी 2023 को 21 से 30 वर्ष तक की आयु के आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार UPSC के एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in पर एक मुफ्त पंजीकरण करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी बजट की फिल्म महाभारत बनाने जा रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के अनुसार उनकी फिल्म महाभारत हॉलीवुड की द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर को कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, परवेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर समेत कई दिग्गज एक साथ नजर आ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 17 से 19 सितंबर को लंदन का दौरा करेंगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक जताया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, प्रिया राय, अर्जुन राम, रविशंकर, दीपक कुमार पंडित, पवन सिंह, KK सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हिंदी की महत्ता बढ़ाने के लिए सरकार को आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।